शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सब लोग एक साथ बोलोगे तो हम कैसे मदद कर पाएंगे आपकी? क्या हुआ बताइए। हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए यहाँ घंटों घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। हमारा नंबर नहीं आता, बाद में जो लोग आते हैं उनका नंबर पहले आता है, ऐसा क्यों? देखिए मैं कुछ समझा नहीं, किस नंबर की बात कर रहे हैं आप लोग? किस चीज के लिए नंबर लगाया था आप लोगों ने? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हम सब ने यहाँ नंबर लगाया था। सर 2 साल से नंबर लगा के बैठा हूँ, अभी तक नंबर नहीं आया। और जो लोग पैसे वाले हैं उनका नंबर 2-3 महीने पहले आ गया। देखिए आप एक काम करिए, आप लोग अपना नंबर एड्रेस यहाँ पर लिखवा दीजिए, हम देखते हैं आखिर क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा है। सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सर, जिसको बड़ी बड़ी अथॉरिटीज मॉनिटर करती हैं। लाइक नोटो की वेबसाइट पे सबसे पहले डोनर और रिसीवर का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर सीरियल ऑर्डर में सबका नंबर आता है। पर कई रिसीवर का नंबर पहले इसलिए आ जाता है क्योंकि वो अपना डोनर खुद से मैनेज कर लेते हैं, तो उनका नंबर पहले आ जाता है। लेकिन फिर भी हम डोनर और रिसीवर्स के बैकग्राउंड को चेक किए बिना ट्रांसप्लांट नहीं होने देते। और एक और इम्पॉर्टेंट बात सर, डोनर और रिसीवर का रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी पैसे का लेन देन ना हुआ हो। डॉक्टर ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है? जी सर, ये बहुत ही क्लियर है। इवन आप ऑनलाइन जाके या हॉस्पिटल में जाके भी रिसेंट चेंजेस चेक कर सकते हैं। इंडिया में इनफैक्ट 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं सर जो डोनर्स की वेट कर रहे हैं, और डोनर्स की संख्या 25,000 से भी कम। ये सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है सर। ओके डॉक्टर, फिर भी हालिया में जो ट्रांसप्लांट हुए उन सभी पेशेंट की मुझे फाइल्स चाहिए होंगी। डेफिनेटली सर, मैं मैनेज करवा दूंगा सर। थैंक यू डॉक्टर। सर मैंने सारे डोनर और रिसीवर्स के रिकॉर्ड को टैली किया, कुछ खास मिला नहीं। फिर मैंने वेटिंग लिस्ट वाले पेशेंट्स को भी चेक किया, स्टेट लेवल पे तो काफी है, लेकिन सर मुझे भोपाल में से 6 पेशेंट्स मिले जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो हुआ है लेकिन लिस्ट में अपडेटेड नहीं। ये देखिए। पर ये तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए ना? यस सर, मैंने ये 6 पेशेंट्स के एड्रेस और डिटेल्स मंगवाई है, एक बार बात करके देखते हैं इनसे। ठीक है। सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन जाना है, निहारिका कहाँ है पुलिस से पूछना है। वर्मा जी का 1.5 लाख रुपया आ गया, वो लिख लो। बहू चाय नहीं आई अभी तक? आई बाबू जी। बाबूजी, नमस्ते। मुनीम जी नमस्ते बेटा। नाटी बाबूजी, आज खाने में भिंडी बना दूं? हाँ ठीक है, बना लो। आज भिंडी काट देना, आज रस्से वाली भिंडी बनाऊंगी, संजय जी को बहुत पसंद है। बहू चाय गिर गई है, पोछा लगा दो। आई बाबूजी। संजय जी दूध रख दे वहीं पे। ए, रुक, क्या ये, इसको ढकेगा कौन? गीता राइट? हाँ, आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। 0.5 लाख फॉलोवर्स, वाओ। 2.5 नहीं, 3 लाख। 3 लाख फॉलोवर है मेरे। बैठो, मेरी छोड़ो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानू। तुमने बोला कि तुम अकेली रहती हो, नो रिलेटिव्स, नो मॉम डैड भाई कोई नहीं? नहीं, लेकिन मेरी एक बहन है, प्योर सिस्टर तो नहीं है पर उसे कम भी नहीं है। मतलब साथ में रहते तुम दोनों? नहीं, अब वो मेरे साथ नहीं रहते। क्या हुआ? अगर तुम अकेली रहती तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए, तो कोई भी नहीं तुमको डांटने वाला ना कुछ बोलने वाला, जब मन चाहे आओ, जब मन चाहे जाओ।
प्लीज हैव अ सीट. थैंक यू सर. अभिमन्यु, नए सीएम आए हैं. सीएम और होम मिनिस्टर चाहते हैं कि हम सारे पुराने कोल्ड केसेस रीओपन करें और क्लोज भी करें, लेकिन डेटा अच्छा नहीं है. सर, इनमें से कई केसेस तो कई साल पुराने हैं. आई नो, पहले मिसिंग केसेस की फाइल्स ही रीओपन की जा रही है और सारे जोन में डिवाइड भी किया है. मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी टीम इसे टेकल करें. एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉप ऑफ द फाइल. सोशल मीडिया में इस केस के ऊपर पिछले दो महीने से बवाल मचा हुआ है. श्योर सर. शुरुआत इन छह लड़कियों से करते हैं. इनके केस में लोकल पुलिस ने कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी. इन्हीं को टारगेट करते हैं और शुरुआत इस लड़की जीवा से करते हैं. सर, पिछले खाने सर, जैसे आपने कहा था, मैंने रीमा के नाम से वीडियो सर्च किया तो मुझे एक इन्फ्लुएंसर योगी का वीडियो मिला जिसने रीमा की बहन गीता के कहने पर वीडियो बनाया था. एक रीमा थी, छः साल से मिसिंग, वो भी मेरी तरह वीडियोस बनाती थी, आज जो हमारे बीच में नहीं है. इस वीडियो को 200,000 बार से भी ज़्यादा देखा जा चुका है और 123,000 बार से भी ज़्यादा शेयर किया जा चुका है. जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, मीडिया की नज़रें अब इसी पर टिकी रहेंगी. गीता से कॉन्टैक्ट करें? नहीं सर, हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टैक्ट नहीं है. मैंने ऑर्फन से बात की बट गीता वहाँ नहीं रहती है, तो मैंने योगी को मैसेज डाला है. लेट्स सी उसका कब रिप्लाई आता है, इससे शायद हमें कॉन्टैक्ट मिल जाए. तो एक काम करते हैं, जैसा कि योगी बोल रहा है कि रीमा एक इन्फ्लुएंसर थी, मतलब वीडियो बनाती थी, तो इसके वीडियो चेक करते हैं, शायद उसके वीडियो से कुछ मिल जाए. ओके सर. ये देखिए सर, ये सारे वीडियोस. हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा. आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. मुझे आज कुछ पता चला है, फिंगर क्रॉस्ड. मैं बस आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि मेरी लाइफ एकदम बदलने वाली है. मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत जरूरत है. अच्छा, तो अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय. बाकी बातें बाद में बताऊंगी. आप सबकी दुआएं काम आई. मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में पता चल गया है. एक फरिश्ता मेरी जिंदगी में आया जो मेरे फादर को जानता है. वो उनसे मिल भी चुका है. वो बहुत जल्द मुझे उनके बारे में बताने वाला है. बस एक हफ्ते की बात है, उसके बाद मैं अपने फादर से मिल पाऊंगी, अपने रूट्स को जान पाऊंगी. आफ्टर ऑल, इस अनाथालय के बाद आप ही लोग मेरी फैमिली है. इसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है? नहीं सर, लास्ट वीडियो 12 सितंबर 2016 को हुआ है. अगर गीता को कुछ खास पता होता तो लोकल पुलिस को भी कुछ मिलता. ये रीमा की लास्ट लोकेशन क्या थी? बी आर मार्ग. ये तो भोपाल के आउटस्कर्ट पे है ना? यस सर. जैसे कि इस वीडियो से पता चल रहा है कि इस आदमी ने रीमा को उसके फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की बात की थी, और उसने ये भी वादा किया था कि वो रीमा को उसके फादर से मिलवा देगा, और ये भी उसने कहा था कि वो रीमा के फादर से मिल चुका है. तो काम करते हैं, रीमा के फादर को ट्रैक करते हैं. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.